हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजडम जॉब्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंस्ट्रक्टर इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज इंग्लिश बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम बहुत ही नए टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, जैसे कि आज के क्वेश्चंस जो बेस्ड हुए हैं वो बोथ ग्रामर एज वेल एज थियरी पार्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के यूज पे। तो क्या है ऐसे टॉपिक में, आज के टॉपिक बहुत ही न्यू टॉपिक है और आप ऑलरेडी हमारे इस टॉपिक को ऑलरेडी हमारे ओल्ड वीडियो में हमने रिलीज भी किया था उसके बारे में, लेकिन जो ये बेस्ड हुआ है, जो ये टॉपिक आज का बेस्ड हुआ है वह है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर। मतलब जो ये इस टॉपिक पे बेस होकर एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस SSC-CGL जो हाल ही में होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें आने भी वाले हैं। तो आपको सबको तो पता ही है कि टायर वन के जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें ईच क्वेश्चन कैरीज अराउंड 2 मार्क्स। सो इफ़ यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन इन दैट पेपर, दैट इट्सल्फ इज़ अराउंड 8 मार्क्स to 10 मार्क्स तक आपकी जो क्वान्टिटी उस पर बेस्ड होती है। तो चलिए आज देखते हैं आज कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक छोटी सी काम करनी होगी। हमारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं या हमारी जो कोई भी अपडेट्स है या नए वीडियोस के फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल विस्टम जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक के बेस्ड पे, आज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस्ड पे आज हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर एक सेंटेंस दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका एक्टिव फॉर्म सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस जो है वो है आपका पैसिव फॉर्म में है। कैसा पैसिव फॉर्म? हैवी टैक्सेस, हैवी टैक्सेस जो है ऑब्जेक्ट है, हैव बीन इम्पोस्ट ये है होता है आपका वर्ब, विथ बीन एन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑन लग्जरी इम्पोस्ड यहाँ पे है जो आपका ईडी फॉर्म ले चुका है, आइटम्स बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट जैसे कि पास्ट प्रीपोजिशन को आपने यूज किया तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्वियसली अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट को आगे लगाना होगा और ऑब्जेक्ट को पीछे लगाना होगा। देखिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारी चीजें ठीक दी गई हैं। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट, यहाँ पे हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोस्ड, मतलब हैवी टैक्सेस इम्पोज की गई हैं, मतलब यहाँ पे वो टैक्सेस ऑब्वियसली स्टिल गोइंग ऑन राइट, जो होता है मतलब बीन जैसे वर्ड्स को वहां पे यूज होता है जहां पे पास्ट कंटिन्यूस, मतलब कभी किया गया है लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, दैट वर्क इज, मतलब जो हो गया है उसके बारे में अभी भी लोग बात कर रहे हैं या वो एक्शन अभी भी चल रहा है, तो वहां पे बीन को यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लिखते हैं पहले, द गवर्नमेंट लिखने के लिए पहले द गवर्नमेंट स्टार्ट होगा क्योंकि ये होता है आपका सब्जेक्ट, और आपको यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये बोला गया है कि ये काम अभी भी हो रहा है, मतलब हैज इम्पोस्ड मतलब वर्ब फॉर्म आपका आ गया। उसके बाद क्या इम्पोज किया है? हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स, हैज इम्पोस्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स। अब पढ़िए पूरे सेंटेंस को जो कि आपका एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस है, द गवर्नमेंट हैज इम्पोस्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स। अब कहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हैड जैसे वर्ड्स वहां पे यूज करते हो टेंस में जब वो काम अभी भी नहीं चल रहा है, लेकिन दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूस टर्म, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ती है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको हैज जैसे वर्ड को यूज करनी पड़ेगी। द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस, द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्टली यहाँ पे इम्पोजिंग दिया गया है, इम्पोजिंग मतलब इट्स गोइंग टू इम्पोज और फ्यूचर टेंस हो जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गोइंग टू इम्पोज नहीं होता। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरी आइटम्स, मतलब जब
मैं और आपको क्लियरली बता देती हूँ. हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन लग्जरी आइटम, जो कि आपका पैसिव वॉइस में है, इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हैज इम्पोज्ड को यूज करके फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज दिस इज इन एक्टिव वॉइस. तो ये होती है बहुत ही सिंपल रूल्स और कन्वर्टर्स, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करनी पड़ती है, पास्ट पार्टिसिपल को यूज करनी पड़ती है, प्रीपोजिशंस को यूज करनी पड़ती है, ऐसे इसको पूरा चेंज किया जा सकता है. कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आया हो या आपको पूरा समझ में आया लेकिन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो, एंड वी विल बी कमिंग अप विथ मेनी न्यू वीडियोज फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ न्यू टॉपिक्स. हम बोलेंगे आपको कैसे इन जैसे टॉपिक्स को चूज करनी होंगी और कैसे इनको सॉल्व करनी होंगी विथ टिप्स एंड ट्रिक्स. सो टू फॉलो अस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल विजडम जॉब्स, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक देन प्लीज डू ड्रॉप ए कॉमेंट इन आवर कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू.